ये खबर शिवपुरी जिले के खनियादाना से है, जहां किसानों ने विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया है। चमरोआ गांव के किसानों का कहना है कि उन्हें करीब 6 महीने से कृषि विद्युत की सप्लाई समय पर नहीं हो रही है, इससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। इतना ही नहीं, किसानों का ये भी कहना है, उन्हें लंबे लंबे बिल थमाए जा रहे हैं। साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि विद्युत सप्लाई के लिए कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन मामले में अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया। लाइट नहीं पहुंच रही है चमरोआ में, परेशान है लोग। कौन सी लाइट? कृषि लाइट जी। कब से नहीं पहुंच रही है? करीब 4-5 महीने से। 4-5 महीने से एक दिन आती है, 10 दिन गोल हो जाती है। अच्छा, तो आपने इन लोगों से बात नहीं की? लोगों से बात की तो कह देते हैं कि बैठो, हम पहुंचा रहे हैं, बैठो पहुंचा रहे हैं, कल आएंगे हमारे आदमी। तो आज ही आप आए हो कि इसके पहले और आए थे? 3-4 बार हो चुके हैं। अच्छा, आवेदन भी दिया, बिल खूब हमक के दे रहे हैं सर। कम से कम 4-5 महीने से लाइट नहीं आई, एक दिन देते हैं और 10 दिन नहीं देते हैं। अच्छा, तो अब क्या कर रहे हो आप? अब बिजली के बारे में आवेदन भी लगा चुके 2-4 बार और पहले भी हो गए, सुधरवा देंगे, कोई नहीं जाता। ऐसा तो दिक्कत नहीं है कि 6 महीने से लाइट नहीं है। 6 महीने से लाइट की दिक्कत होगी तो 6 लोग कम से कम 20 बार आ चुके होते किसान। अभी समस्या हुई है जो लाइटों के जमकर लोग आपस में डालना है, इसके कारण ऐसे दिक्कत आई है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार नहीं आए हुए लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहली बार। अभी तो अभी आए लोग आज इकट्ठे होकर के, जो अभी यथासंभव यहाँ से प्रयास हो सकता है उसको अपन कर रहे हैं। बाकी अगर रेडी से जुड़ने की बात हो रही थे तथा वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश लेकर के कार्य कराया जाएगा। लाइट नहीं पहुंच रही है चमरोआ में, परेशान है लोग। कौन सी लाइट? कृषि लाइट जी। कब से नहीं पहुंच रही है? करीब 4-5 महीने से। चार पाँच महीने से एक दिन आती है, 10 दिन गोल हो जाती है।